गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूं आप लोगों का पंचामृत क्लास में, जो है साइंस की पंचामृत, जहां पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए फटाफट से अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, जो है आपका करंट अफेयर्स टेक्नोलॉजी का, कहता है कि द फोर्थ मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्करी वाज हेल्ड एट, बारे पर चौथा मिनीमाता सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे हुआ था। देखिए 2017 में पहला COP हुआ था मिनीमाता पर, ठीक है, और यह जिनेवा में हुआ था। उसके बाद फिर आपका दूसरा और तीसरा ये भी जिनेवा में होते हैं, और चौथा कहाँ होता है आपका, बाली में हुआ है। ठीक है, चौथा कहाँ हुआ है, बाली इंडोनेशिया में हुआ है, जहां पे मानव शरीर के ऊपर पारा की जो विषाक्तता हो जाती है उसके उसी रोग को हम कहते हैं मिनीमाता। और मिनामाता जो होती है यह आपकी एक बे है, एक खाड़ी है जो जापान में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरा आप लोगों के सामने सवाल आ जाता है, द हर्बीवोर इज ऑल्सो नोन एज, एक शाकाहारी को और किस रूप में जाना जाता है, निर्माता, पहला क्रम उपभोक्ता, दूसरा क्रम उपभोक्ता या फिर तीसरा क्रम उपभोक्ता। आप देखिएगा, सूर्य जो होता है इससे क्या होगा, इससे काफी सारी ऊर्जा आएगी और उस ऊर्जा के माध्यम से आपके जो प्लांट्स है वो अपना खाना बनाएंगे। ये जो खाना होगा इसी खाने को इस्तेमाल करेगा कौन, आपका हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी। तो शाकाहारी क्या हुआ, इसने पहला यह कंज्यूमर बना, ये तो प्रोडक्ट, ये तो प्रोड्यूसर है, ये तो बनाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रोड्यूसर को किसने खाया, आप कह दोगे मैम शाकाहारी ने खाया, तो ये क्या हो गया, यह आपका पहला कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाता है। इस शाकाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी खाएगा, तो ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि ये नीचे वाले जो आपके डेड मटेरियल्स होंगे इनको कौन खाएगा, टर्शरी कंज्यूमर खाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि आप क्या कह देंगे, मैम जो शाकाहारी जीव हो जाते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स हो जाते हैं, पहले क्रम के उपभोक्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आवर्त सारणी में अत्यधिक वैद्युत ऋणात्मक हैलोजन, ठीक है, यानी कि ग्रुप 17, और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षारीय धातु यानी कि ग्रुप 1 को कौन विभाजित करता है, कौन अलग अलग करता है, तो बताइए, दुर्लभ मृदा तत्व, क्षारीय मृदा धातु, उत्कृष्ट धातु या फिर उत्कृष्ट गैस। जब भी हम अपने पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल में ये रहा आपका ग्रुप 1 और ये रहा आपका ग्रुप 17। जब हम इस ग्रुप 1 और 17 के बीच में देखते हैं तो एक तो इतनी बड़ी सी आपको चेन दिख रही है जो इसको विभाजित कर रही है, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूटी में देखूं तो फ्लोरीन के बाद नियॉन, नियॉन के बाद सोडियम आ जाता है, इसी प्रकार से क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद पोटेशियम आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सिर्फ ये ग्रुप 18 यानी कि नोबल गैस इसके बीच में आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा नोबल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, डैश गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। भाई देखिए, जब भी हम अपनी किडनी की बात करते हैं तो इस किडनी के अंदर आपको बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को आप व्रकाणु यानी कि नेफ्रॉन कहते हो, और इसी वजह से हम किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे अध्ययन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना फिजिक्स का आ जाता है, कहता है निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है। भैया लीनियर मोमेंटम या रैखिक संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा MLT-1। तो आपको यही बताना है कि MLT-1 किसके बराबर होगा। आप देखेंगे एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, कार्य के जैसे इसकी विमा हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ कार्य को करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने कितना बल लगा के कितना विस्थापन किया है, तो उस आधार पे आपका जो यहाँ पे विमा बनती है वो बनती है ML2T-2। तो ये तो इसके बराबर नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ऑपोजिंग फोर्स, फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑपोजिंग फोर्स हो चाहे फोर्स हो, यहाँ पे फोर्स की विमा हो जाएगी ML2-2, जो अगेन आपका आंसर से मैच नहीं कर रहा क्योंकि हमें ML2-1 चाहिए। नेक्स्ट आता है इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टाइम यानी कि किसी बल के, बल को कितनी देर के लिए किसी वस्तु पे लगाया गया, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे ML2-2/T, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहां कह देंगे कि हमें वैल्यू फोर्स इंटू टाइम, तो यह हो जाएगा ML2
एम एल टी माइनस टू इंटू टी, तो इसमें हमारी विमा आ जाएगी एम एल टी माइनस वन, जो कि इससे मैच कर रही है। यानी कि अगेन आंसर क्या हो जाएगा कि संवेग और आवेग की जो विमाएं होती है वो बराबर होती है, और कार्य जो होगा इसकी विमा भी अगेन क्या हो जाएगी, एनर्जी जैसी, और आप लोगों को मिलेगा एम एल टी एम एल टू टी माइनस टू कार्य की विमा। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अगर अच्छे लगे हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते रहें, और आप लोग इस क्लास को और ज्यादा प्यार दीजिएगा। अगले दिन फिर मिलेंगे हम लोग अपनी साइंस की पंचामृत के साथ, तो मेरे साथ आप रेगुलर जुड़ सकते हैं दोपहर को 3 बजे SSC एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पे। तो दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।